हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल ट्रेंड के बारे में। जी हां, लिपस्टिक ट्रेंड के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ओम्ब्रे इफेक्ट। ओम्ब्रे इफेक्ट जो होता है, या ओम्ब्रे होंठ जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल वीडियो है कि कब ओम्ब्रे इफेक्ट करना चाहिए, जब लिपस्टिक हम लगाते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब कैसे क्यों, ठीक है। तो पूरा डिटेल वीडियो है, तो हम बात करेंगे इसी बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि मैंने आज लिप्स बिल्कुल क्लीन रखा है, तो मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज कर लिया है। ये मेरे नेचुरल लिप्स हैं, तो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि कैसे ओम्ब्रे होंठ बनाया जाता है या ओम्ब्रे इफेक्ट डालते हैं लिपस्टिक में। तो सबसे पहली बात है, ओम्ब्रे होंठ होता क्या है, या ओम्ब्रे लिपस्टिक कैसी होती है, या ओम्ब्रे इफेक्ट कैसे डालते हैं लिपस्टिक के साथ। तो जिन लड़कियों के होंठ ना थोड़े छोटे या पतले होते हैं, तो वो अपने होंठ को थोड़ा सा प्लम्पी, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए। आप सबको पता है कि होंठ ना आजकल थोड़े से प्लम्पी होंठ और थोड़े से मोटे होंठ का फैशन है और अच्छा भी लगता है। तो अगर आपके लिप्स जो हैं थोड़े पतले हैं, थोड़े छोटे हैं, तो आप ये ओम्ब्रे होंठ बना सकते हैं, या ओम्ब्रे टाइप से जो लिपस्टिक होती है, इस टाइप का इफेक्ट डाल सकते हैं अपने लिपस्टिक में। तो सबसे पहले कैसे लगाते हैं, ठीक है, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बात करते हैं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस कलर की लिपस्टिक, अच्छा कई बार क्या होता है ना कि ऊपर के होंठ पतले हैं, तो आप चाहो तो दोनों में से सिंगल लिप्स पे भी ओम्ब्रे इफेक्ट कर सकते हो। जिस लिप्स को आपको थोड़ा सा बड़ा या मोटा दिखाना है या प्लम्पी दिखाना है, वैसे तो मेरे हिसाब से ना, आप जब भी ओम्ब्रे इफेक्ट डालिए तो आप अपने दोनों होंठों पर सेम टाइम पर एक ही साथ दोनों पे इफेक्ट डालिए। मतलब पूरी लिपस्टिक जो अप्लाई करनी है सेम टाइम पे ऊपर नीचे, या फिर जो भी आप ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए जैसे भी जो भी स्टेप फॉलो करते हैं, तो आप दोनों होंठों पे एक साथ ही अप्लाई करिए। वरना क्या होता है ना, अनइवन सा हो जाता है, ऊपर के और नीचे के दोनों लिप्स में ना थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। तो ये सावधानी स्पेशली आपको बरतनी है। और आप बात करते हैं कैसे लगाएं ओम्ब्रे लिपस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है कि जिस कलर की लिपस्टिक आप लगा रहे हैं, सेम उसी कलर की लिप लाइनर ले लीजिए। तो जिस कलर की लिपस्टिक, उससे थोड़ा सा डार्क शेड ले सकते हैं या सेम कलर। वैसे डार्क शेड लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप सेम कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं लगाने वाली हूँ ये थोड़ा सा पिंकिस, या फिर आप कह सकते हो मसंटा कलर का, ठीक है। तो इससे मैं लगा लूँगी अपने होंठ जो है वो लिप लाइन कर लूँगी। मेरे लिप्स के ना जो शेप है वो बना हुआ है, मुझे कुछ अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता है। जो लिप का मेरा नेचुरल शेप है ना, वो मुझे पसंद है, तो मुझे अलग से लिप्स में शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको शेप देना है, जैसे आपका ऊपर या नीचे वाला होंठ जो भी पतला है, आपको थोड़ा मोटा करना है, तो आप उसमें शेप दे दीजिए, मतलब जितना भी मोटा करना है, ठीक है। लिप लाइनर से आपको एक अच्छा सा आउटलाइन बना के, मतलब एक अच्छा सा लिप शेप दे देना है, और डार्क करना है, थोड़ा सा डार्क। मैंने जो है ना आउटलाइन बना लिया है, थोड़ा सा डार्क बनाया, और साथ में हल्का हल्का सा इनर पार्ट में, मतलब अंदर की साइड थोड़ा सा फिल भी कर लिया है, ताकि थोड़ा सा मोटा सा हो जाए जो डार्क शेड है, वो थोड़ा सा लिप के आउटर में ना मोटा मोटा सा हो जाए। आप चाहो तो लिपस्टिक जो ब्रश होता है ना, वो ब्रश भी ले सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी थोड़ा ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है ब्रश, उससे मैं हल्का सा अंदर की साइड, मतलब लिपस्टिक ऊपर वाला अंदर की साइड और नीचे वाला अंदर की साइड, आप ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। तो अब क्या करनी है, अब आपको लेनी है अपनी लिपस्टिक और इसको पूरे होंठ पे अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। Thank you.
जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो भी ओम्ब्रे इफेक्ट देना है, यहाँ तक कि लिपस्टिक तो सिंपल सी है, जैसे कि हम लोग डेली लगाते हैं, तो आपको ओम्ब्रे इफेक्ट देना है तो आप दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आपको लेना है एक न्यूड कलर का सिंपल सी लिपस्टिक जो न्यूड शेड में हो, या फिर आप ले सकते हो अपना कंसीलर। आप दोनों तरीके से अपने लिपस्टिक को ना अच्छे से आप ओम्ब्रे होड बना सकते हो, ओम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हो अपने लिपस्टिक को। तो मेरे पास, अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ न्यूड लिपस्टिक की, तो मेरे पास है मनीष मल्होत्रा की एक लिपस्टिक और कंसीलर है ही। तो आपके पास अगर न्यूड लिपस्टिक नहीं है तो आप कंसीलर यूज़ सकते हैं, और अगर है तो आप न्यूड लिपस्टिक ऐड यूज़ करिए। तो मैं एक बार लगा के दिखाती हूँ, होठों के बीच में ऊपर नीचे लगाना है थोड़ा थोड़ा। और अपनी उंगलियों से ब्लेंड करना है, ठीक है, लिपस्टिक को और किसी तरीके से नहीं। उंगलियों से ब्लेंड करेंगे ना तो दो फायदे हैं, एक तो इक्वल ब्लेंड होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना वो बाहर आ जाएगा। तो आपकी उंगली लेनी है और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है डैप डैप। ये रहा आपका ओम्ब्रे इफेक्ट। बस लास्ट स्टेप ये करना है आपको कि एक अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए एक लिप ग्लॉस लगाना है और आपका एक ओम्ब्रे इफेक्ट रेडी है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।